देश में कोरोना की नई लहर से हाहाकार मचा हुआ है। हालात लगातार चिंताजनक होते जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड्स की कमी और ऑक्सीजन की किल्लत ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। ऐसे हालातों के बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने बड़ी राहत की खबर दी है। ICMR की एक स्टडी का दावा है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना के कई म्यूटेंट पर कारगर साबित होती है। ये कोरोना के कहर को खत्म करने में सक्षम है। ICMR ने कहा कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना के अलग अलग म्यूटेंट के खिलाफ असर करती है। स्टडी के मुताबिक ये वैक्सीन कोरोना के UK, ब्राजील और अफ्रीकन वेरिएंट को मात देने में कारगर है। इतना ही नहीं, ये डबल म्यूटेंट के खतरे को भी दूर करती है। भारत में कोरोना के इस वक्त कई म्यूटेंट एक्टिव हो गए हैं। UK, ब्राजील, अफ्रीकन स्ट्रेन से जुड़े कई मामले पहले ही भारत में पाए जा चुके हैं। बीते दिनों ये बात सामने आई थी कि अब भारत में देसी वेरिएंट भी तैयार हो गया है, जिसके सबसे ज्यादा केस बंगाल में सामने आए हैं। ऐसे में ICMR की नई स्टडी राहत की एक उम्मीद जगाती है। देश में वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक 11 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। वैक्सीनेशन के आंकड़े राहत की खबर लेकर आए हैं। ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि टीका लगने के बाद हर 10,000 में 2 से 4 लोग ही दोबारा कोरोना से संक्रमित हुए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक वैक्सीनेशन की दूसरी अच्छी बात ये है कि इसे लेने के बाद कोरोना का संक्रमण तो हो सकता है, लेकिन शख्स गंभीर बीमारी से नहीं जूझेगा और उसके अस्पताल जाने की नौबत भी न के बराबर आएगी। वो ये निकला है कि अगर वैक्सीन लगाने के बाद कोविड आता भी है तो वो सीवियर डिजीज़ की तरफ हमें नहीं लेके जाता, और सीवियर डिजीज़ के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके बाद के, उस तरफ नहीं ले जाता। ये हम ओवरऑल सारे वैक्सीन्स ने जो करके दिखाया है आज तक सब देशों में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, और जितना भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है अभी तक उसके बेस पे कह रहे हैं, और इसको हम पूरी तरह से सिस्टमैटिक तरीके से इसको चिन्हित भी कर रहे हैं, इसको कलेक्ट भी कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट, वैक्सीन के बाद रिस्क रहता है, इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे जोर हमेशा रहेगा। इसके साथ जब अगर आता भी है तो हमें सीरियस डिजीज़ का रिस्क जो है वो नेग्लिजिबल है। और ये भी याद रहे कि ये जो प्रोपोर्शंस दिखाई हैं जितनी भी हैं, ये हाई रिस्क पॉपुलेशन में थी, हेल्थ वर्कर्स में थी, जहाँ पे कि रिस्क और भी ज़्यादा है, तो आम जनता में ये रिस्क जो है बहुत कम होना चाहिए। तो प्लीज़ वैक्सीन को अपनाइए, हमारे दोनों वैक्सीन को अपनाइए। भारत में वैक्सीनेशन का काम इसी साल 16 जनवरी को शुरू हुआ था, जिसमें सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन देना शुरू किया गया, जबकि 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र वाले हर व्यक्ति को वैक्सीन दी जा रही है। बीते दिनों ही भारत सरकार ने वैक्सीनेशन के दायरे को पूरी तरह खोल दिया है। 1 मई से भारत में 18 साल से ज्यादा उम्र वाले हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाएगी। देश में अब सरकारी केंद्रों, प्राइवेट सेंटर्स के अलावा प्राइवेट क्लेयर, खुले बाजार में भी वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी। News Tag Bureau.